हे वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू इनेबल कॉल रिकॉर्डिंग फीचर्स। इस डिवाइस में हर किसी का कॉल ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले फ़ोन डायलर में जाइए। डायलर से जब किसी को कॉल करेंगे या आपके पास कॉल आएगा, कॉल कनेक्ट होते ही या 3 डॉटेड लाइन पर टैप करके कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों जब आपको ज़रूरत होगा इस तरीके से मैनुअली किसी का कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर कॉल रिकॉर्डिंग बंद करना हो तो इस लाइन पे टैप करके कॉल रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं। दोस्तों अब हम ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग करना सीखेंगे। यहाँ 3 डॉटेड लाइन पे टैप करके सेटिंग्स में जाइए। कॉल सेटिंग्स के अंदर रिकॉर्ड कॉल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ से ऑटो कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। नंबर 1, शो नोटिफिकेशन आफ्टर रिकॉर्डिंग, मतलब कॉल रिकॉर्ड होने के बाद उसका रिकॉर्डिंग फाइल नोटिफिकेशन बार में शो होगा, चाहे तो आप इसे डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑटो रिकॉर्ड पे क्लिक करके इसे टर्न ऑन कर दीजिए। ऑल कॉल्स, मतलब सारे इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल रिकॉर्ड होगा। कॉल विद अनसेव नंबर्स, अगर आप चाहते हैं कि फ़ोन में जो नंबर सेव नहीं है या अननोन नंबर से जो कॉल आएगा सिर्फ उसका ही कॉल रिकॉर्ड हो, तो आप सेकेंड ऑप्शन चूज़ कीजिए। कॉल विद स्पेसिफिक नंबर्स, यहाँ से कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर को चूज़ कर सकते हैं सिर्फ उसका कॉल ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करने के लिए। नंबर 2, ऑटो सिलेक्ट में जाके रिसेंट कॉल लिस्ट या कॉन्टैक्ट से उस पर्सन का नंबर सिलेक्ट करके डन कर देंगे। इसके बाद सभी कॉन्टैक्ट में से केवल ए सिलेक्ट नंबर ही ऑटो कॉल रिकॉर्ड करेगा। तो दोस्तों इन तीनों में से किसी एक को अपने जरूरत की सबसे सेट कर लीजिए। रिकॉर्डेड कॉल्स, यहाँ पर आपको सारे कॉल रिकॉर्डिंग फाइल देखने को मिलेगा, यहाँ से रिकॉर्डिंग फाइल प्ले कर सकते हैं और दूसरे फोन में भी भेज सकते हैं। डिलीट ओल्ड रिकॉर्डिंग्स, यहाँ से पुराना कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप मैनुअली और ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड कर पाएंगे। कॉल रिकॉर्डिंग के अलावा इस डिवाइस से कई सारे हिडन सेटिंग्स और प्रॉब्लम रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि कॉल रिकॉर्डिंग करने का ट्यूटोरियल आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।